वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज पर। आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई तमिल ड्रामा फिल्म यानी कि लवर के बारे में। तो मणिकंदन और गौरी प्रिया स्टारर, ये 2.5 घंटे की एक बहुत ही बेहतरीन ड्रामा फिल्म है जो मुझे पर्सनली काफी पसंद आई है। पर क्या ये फिल्म आपको पसंद आ सकती है या नहीं, उसके लिए आपको रिव्यू को आगे देखना पड़ेगा। बात करें अगर फिल्म की तो देखा जाए तो फिल्म जो है बहुत ही सेंसिबल तरीके से आज के समय के जो कपल्स हैं उनके बीच की कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश करती है। हर एक चीज को बिना किसी हिचकिचाहट के हमारे सामने रखती है। एट द सेम टाइम खत्म होते होते ये फिल्म जो है कुछ सॉल्यूशंस भी जो है हमें दे जाती है। फिल्म में जिस तरीके से इमैच्योर्ड कैरेक्टर्स को मैच्योरिटी के साथ लिखा और प्रेजेंट किया गया है वो कहीं ना कहीं इस फिल्म की यूएसपी साबित होता है। और वही चीज जब मैं फिल्म में देख रहा था उसे देखकर एक अलग सी ही खुशी मिल रही थी। ऑनेस्टली कहूं तो ट्रेलर मुझे काफी पसंद आया था। मणिकंदन की फिल्म थी तो एक एक्स्ट्रा भरोसा था कि फिल्म की स्क्रिप्ट जो है कहीं ना कहीं अच्छी रहेगी। पर जब मुझे पता चला कि फिल्म के तेलुगु वर्जन को जो है एसकेएन वाले जो है रिलीज करवा रहे हैं जिन्होंने बेबी फिल्म बनाई थी, तब मुझे जो है थोड़ा सा डाउट हुआ कि कहीं ये फिल्म बेबी की ही तरह जो उसी जोन में जाती हुई तो कहीं निकल ना जाए या फिर उसी तरीके से चीजों को प्रेजेंट ना करने की कोशिश करे। तो ऐसे एक माइंडसेट के साथ ऑनेस्टली कहना चाहता हूं मैं थिएटर में कल जो है इस फिल्म को देखने गया था। और ऑनेस्टली फिल्म का जब फर्स्ट हाफ स्टार्ट हुआ, फर्स्ट हाफ के कुछ 15-20 मिनट को देखकर लगा मुझे इस चीज का ऐसा एक डर सा हुआ कि शायद ये फिल्म उसी जोन में जो है जाती हुई नजर आ रही है। पर यकीन मानिए फिल्म खत्म होते होते बिल्कुल ही कह सकता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस बेबी फिल्म को देखने का जो था ना उसे बिल्कुल ही विपरीत एक्सपीरियंस ये फिल्म जो है मुझे दे जाती है। जहां पर फिल्म में हर एक चीज को देखा जाए तो बिना जनरलाइज किए, बिना कह सकते हैं कि किसी चीज को जस्टिफाई किए, बिना कोई सिली एक्सक्यूज देते हुए यहां पर हर एक चीज को जिस सेंसिबल तरीके से मैच्योर्ड वे में डील किया गया है वो कमाल का था। फर्स्ट हाफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो लिटरली फर्स्ट हाफ में कुछ भी जो है मेरे साथ कनेक्ट कर ही नहीं रहा था। लिटरली कुछ भी कनेक्ट नहीं कर रहा था। एक पल को तो शायद मुझे ऐसा फील होने लगा कि शायद ये मेरे टाइप की फिल्म नहीं है। पर जब धीरे धीरे फिल्म आगे बढ़ी, कहानी आगे बढ़ रही थी, तब जाकर धीरे धीरे इस चीज का मुझे एहसास हुआ कि डायरेक्टर साहब चाहते ही नहीं है कि यहां पर मैं किसी कैरेक्टर के साथ अपने आप को कनेक्ट करूं या फिर किसी भी कैरेक्टर के प्रति मैं यहां पर कुछ फील करूं। फर्स्ट हाफ देखा जाए तो ज्यादातर फर्स्ट हाफ का जो फोकस है वो मणिकंदन के कैरेक्टर के ऊपर ही रहता है और डायरेक्टर कहीं पर भी ये नहीं चाहते थे कि हम जो है उस कैरेक्टर के प्रति कुछ फील करें, कुछ सिंपैथी फील करें। देखिए उस कैरेक्टर को अगर आप देखोगे तो उस कैरेक्टर में वो हर एक चीज है जिसमें एक एवरेज लड़का जो है अपने आप को बहुत ही आसानी से देख सकता है। वो रो रहा है, वो गुस्सा कर रहा है, उसके पास जॉब नहीं है, उसके पास सपोर्ट नहीं है, उसके फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। हर एक चीज जो है उस कैरेक्टर के अंदर आपको नजर आएगी, पर फिर भी आप उस कैरेक्टर के प्रति कहीं पर कोई सिंपैथी जो है वो फील नहीं करोगे। और आप यहीं पर राइटिंग का कमाल देखिए कि कैरेक्टर जिसके अंदर वो हर एक चीज नजर आ रही है जो हमारे साथ रिलेट कर रही है पर फिर भी हम अगर उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो डायरेक्टर की पकड़ जो है स्क्रिप्ट पर वो कितनी सॉलिड है। मतलब डायरेक्टर का साफ यही मोटिव था कि कहीं पर भी उसकी लाइफ में जो भी चीजें चल रही हैं उन एक्सक्यूजेस को जो है यहां पर जस्टिफाई ना किया जाए। और उसके लिए उन्होंने पूरी फिल्म में या फिर कहें फर्स्ट हाफ के अंदर काफी जगहों पर ऐसे मोमेंट्स दिए हैं जहां पर वो कैरेक्टर बहुत ही आसानी से इन सभी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता था या फिर एक कोशिश कर सकता था इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। पर अब इसे उसकी जिद कह लो, उसकी मेंटालिटी कह लो या फिर उसका एक कमजोरी कह लो, ये हर एक चीज जो है उसे कहीं पर भी इन सभी प्रॉब्लम से बाहर आने का मौका ही नहीं देती है। और होता यह है कि वजह उस कैरेक्टर के प्रति सिंपैथी फील करने के हमें उस कैरेक्टर पर गुस्सा आने लगता है क्योंकि हमें सामने पर्दे पर नजर आ रहा है कि जिंदगी उसे वो हर एक मौका दे रही है जहां से वो अपनी जिंदगी को कुछ हद तक सुधार सकता था पर सिर्फ अपनी गलती के वजह से वो अपने हर एक मौके को जो है गवाता जा रहा है और अपनी जिंदगी को धीरे 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 ही सही और बदतर बनाता जा रहा है। और यही चीज इंटरवल आते आते इस फिल्म को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना जाती है और फिल्म का इंटरवल भी काफी सॉलिड निकल के आता है जो सेकेंड हाफ के लिए एक अच्छी खासी एक्साइटमेंट क्रिएट करता है और सेकेंड हाफ बिल्कुल उस एक्साइटमेंट को जस्टिफाई भी कर जाता है। अगले कुछ पॉजिटिव्स की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं यहां पर तारीफ करना चाहूंगा फिल्म के दोनों ही लीड एक्टर्स की, मणिकंदन और गौरी प्रिया। कमाल की परफॉर्मेंस यहां पर दी है। स्क्रिप्ट को जिस नेचुरल परफॉर्मेंस की जरूरत थी उसे देने में 1% की भी कमी कहीं पर इन दोनों ने छोड़ी नहीं है। मणिकंदन को लेकर काफी ऑलरेडी मैं कॉन्फिडेंट था कि उनके परफॉर्मेंस तो कहीं पर डिसअपॉइंट करने वाली है नहीं और उन्होंने कहीं पर भी डिसअपॉइंट किया भी नहीं है। बात करें गौरी प्रिया की तो उनका काम भी कमाल का है। एक सीन है सेकेंड हाफ में जहां पर वो मणिकंदन की जो माँ है उनका फोन उठाती है और फोन उठाने के बाद जिस तरीके से वो रोती है वहां पर जो नेचुरल परफॉर्मेंस उन्होंने दी है वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था।
हालांकि फिल्म देखते वक्त मुझे ऐसा ही लगा कि मैंने कहीं ना कहीं इन्हें पहले देखा हुआ है, बट याद नहीं आ रहा था कि इनकी कौन सी फिल्म देखी हुई है। बाद में जब मैंने सर्च किया तो पता चला कि इनकी बहुत पहले कुछ सालों पहले एक फिल्म आई थी, फिल्म या शायद वेब सीरीज थी आहा, पर मैंने देखी थी मेल नाम से, तो वो थी। पर बिल्कुल मैं उन्हें पहचान नहीं पाया था, काफी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह हो गया है, पर उनका काम भी इस फिल्म में बहुत ही सॉलिड था। और ये परफॉर्मेंस और राइटिंग का ही मैं कमाल कहूंगा कि यहां पर फिल्म में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर मैं कहीं पर भी ये फील नहीं कर रहा था कि आगे जाकर ये दोनों कैरेक्टर्स एक साथ मिलकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। मैं बस यही फील कर रहा था कि भले ही मिले ना मिले, बट इंडिविजुअली सही ये लोग अपनी जिंदगी में खुश रहें, क्योंकि इनका जो रिलेशन है वो बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है। रिलेशन में जो टॉक्सिक चीजें घुस चुकी हैं, उन्होंने कैरेक्टर को जाने अनजाने में ही सही अंदर से जो है काफी ज्यादा तोड़ दिया है। तो ऐसे पॉइंट के बाद ऐसा फील नहीं होता है कि ये दोनों एक साथ आ जाए, ऐसा ही लगता है कि जब भी रहे जहां भी रहे खुशी से रहे। और आप देखोगे तो फिल्म का एक ओपनिंग शॉट है जहां पर गौरी प्रिया का जो कैरेक्टर है वो आपको सर्फिंग करती हुई नजर आएगी, जहां पर वो बैलेंस वगैरह नहीं बना पाती है और बाद में आके बैठ जाती है। तो वहां पर उस सीन को आप देखिए, कैरेक्टर खुश नजर आएगा, कैरेक्टर इंजॉय कर रहा है, कैरेक्टर घूमने आया है, बट फिर भी उस सीन को जब आप क्लाइमेक्स के सीन से जोड़ के देखोगे तब आपको पता चलेगा कैरेक्टर को आप केवल पर्दे पर जो है फ्रीडम को इंजॉय करते हुए देख रहे हो, बट मेंटली कह सकते हैं, साइकोलॉजिकली कह सकते हैं कि वो कैरेक्टर उस फ्रीडम को जो है कहीं पर महसूस नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर जकड़ा हुआ सा फील कर रहा है। और उस ओपनिंग शॉट को लास्ट में फिर से एक शॉट के साथ जिस तरीके से जोड़ के दिखाया है, इन दोनों ही चीजों को अगर आप देख लोगे तो फिल्म का जो क्लियर मैसेज है आपको समझ आ जाएगा। इस फिल्म की एक और जो सबसे बड़ी खासियत है जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, अगर आप देखोगे तो 2.5 घंटे 2 घंटे 26 मिनट के आसपास की ये फिल्म है, जहां पर शुरू से लेकर अंत तक जो है आपको एक लड़ाई, एक कपल के बीच में लड़ाई आपको देखने को मिलती है, जो कहीं ना कहीं बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चली जाती है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी हल्की फुल्की लगेगी, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि चीजें अब यहां पे बहुत टॉक्सिक जा रही है, कहीं ना कहीं आपको देखकर ऐसा लगेगा कि चलो कोई नहीं, ये तो रोज की बात है, हम ये तो होता ही रहता है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है जहां पर थ्रू आउट द फिल्म एक रिलेशन के बीच में जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उन्हें प्रेजेंट करने की कोशिश करती है, पर उसी बीच में बहुत ही छोटे छोटे मोमेंट्स यहां पर फिल्म में ऐसे डाले गए हैं जहां पर फिल्म कुछ पॉजिटिविटी प्रोवाइड करती है, और वो इतनी कमाल तरीके से हिट करती है ना कि पूछो ही मत। एक सीन है, दो सीन है, एक सीन है जहां पर सबसे पहले एक बंदा है जो यहां पर जो है मणिकंदन को बताता है फ्रीडम क्या होता है, जो मणिकंदन उससे पूछता है कि क्या तुम अपने पार्टनर को ऐसा फ्रीडम वगैरह देते हो, ये सब पूछता है, तो उसका एक डायलॉग निकल के आता है, वो डायलॉग आप सुनो, कमाल का था। इसके अलावा फिल्म में मणिकंदन की माँ का जो कैरेक्टर है बहुत ही कम स्क्रीन टाइम दिया गया है, बट उस कम स्क्रीन टाइम के अंदर उस कैरेक्टर को जिस तरीके से लिखा गया है, उस कैरेक्टर की लाइफ को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है ना, वो फिल्म खत्म होते होते बहुत ही कमाल का एक इम्पैक्ट छोड़ के जाती है। क्योंकि आप उस कैरेक्टर को देखोगे तो वो कैरेक्टर भी लाइफ में बहुत कुछ फेस कर रही है, पर फिर भी वो अपने बेटे को संभाल रही है, बेटे का फ्यूचर देख रही है, और उसके बाद लाइफ में जो सब उसके साथ और आगे आगे घटता जाता है उनको पकड़ते हुए अगर ये कोई रूटीन और जेनेरिक फिल्म होती तो कुछ और ही दिखाती, कुछ नेगेटिव ही दिखाती, पर यहां पर फिल्म में जब क्लाइमेक्स से कुछ देर पहले जब वो मणिकंदन को फोन करती है, फोन करके वो जो चीजें बोलती है ना, वो कुछ लाइंस इतने कमाल के थे कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इसके अलावा फिल्म का म्यूजिक भी कहूंगा कि काफी अच्छा है, कुछ जगहों पर साउंड डिजाइनिंग भी जो है मैं कहूंगा काफी बेहतरीन हुई है, खासकर कि उन जगहों पर जहां पर दोनों के बीच में एक टेंशन का माहौल बनता हुआ नजर आता है, या फिर कहें कि गौरी प्रिया का कैरेक्टर जो टेंशन फील कर रही है, जो डर फील कर रही है, उसे दिखाने के लिए जिस तरीके का साउंड्स का यहां पर यूज किया गया है वो मैं कहूंगा कि काफी अच्छा काम करता है फिल्म के अंदर। कुछ हद तक अगर स्क्रीन प्ले की मैं बात करूं तो आपको फील होगा, मुझे भी पर्सनली फील हुआ ही था कि कहीं कहीं पर चीजें आपको थोड़ी सी रिपीटेटिव फील होगी, थोड़ा थोड़ा ऐसा फील होगा कि अब जो है चीजों को थोड़ा ज्यादा खींचा जा रहा है, पर ऑनेस्टली ये चीजें फिल्म देखते समय या फिर उस पर्टिकुलर टाइम पर जो है फील होती हैं। फिल्म खत्म होने के बाद फिल्म जो एक सेटिस्फेक्शन देती है ना, वो उन सभी चीजों को कहीं ना कहीं एटलीस्ट मेरे लिए पर्सनल लेवल पर जो है बिल्कुल गायब सी कर जाती है, या फिर कहें कि उन सभी चीजों को कहीं ना कहीं खत्म करते करते जस्टिफाई भी कर जाती है। तो ओवरऑल कहूं तो मेरा पर्सनली लवर फिल्म का जो एक्सपीरियंस था वो काफी अच्छा था, देखी दिखाई चीजों के अंदर भी जो है काफी सेंसिबल तरीके से नई कुछ चीजों को जो है यहां पर डायरेक्टर साहब ने रखा है। मैं तो पर्सनली फिल्मों से कुछ लेता नहीं हूं, फिल्मों से कुछ सीखता नहीं हूं, बट अगर आप कुछ लेते हो सीखते हो, अगर आपको लगता है कि फिल्मों का इंपैक्ट हमारी लाइफ पे काफी सॉलिड पड़ता है, तब डेफिनेटली कहूंगा कि इस फिल्म के अंदर देखने और सीखने के लिए काफी कुछ है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक लिव अप बाय, टेक केयर।